सेंट पीटर्सबर्ग में फीफा विश्व कप 2018 का सबसे रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें अर्जेंटीना ने नाइजीरिया को 2-1 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। खेल के 14वें मिनट में बानेगा ने नाइजीरिया के डिफेंडरों के ऊपर से गेंद मेसी की ओर उछाला, जिसे मेसी ने अपनी जांघों के सहारे संभाला और नाइजीरिया के गोलकीपर को छकाते हुए गेंद को बाईं ओर गोल पोस्ट में पहुंचा दिया और इस तरह से अर्जेंटीना को जश्न मनाने का मौका मिला। 34वें मिनट में गोल करने के लिए मेसी द्वारा लगाई गई फ्री किक नाइजीरिया के गोलकीपर उजोहो के हाथों से लगने के बाद गेंद बार से टकराकर बाहर चली गई और अर्जेंटीना के हाथों से एक और गोल का बेहतरीन मौका निकल गया। हाफ टाइम तक एक गोल का जश्न मनाने वाली अर्जेंटीना को दूसरे हाफ के शुरुआत में बड़ा आघात लगा। अर्जेंटीना के मास्केरानो ने नाइजीरिया के बोलोगन को गिरा दिया और रेफरी ने वीडियो असिस्टेंट रेफरी का सहारा लेकर नाइजीरिया को पेनल्टी दे दी और पेनल्टी किक को विक्टरल मोसेस ने अर्जेंटीना के गोलकीपर अरमानी की बाईं ओर से गोल पोस्ट में पहुंचाकर नाइजीरिया को बराबरी पर ला दिया। खेल के 76वें मिनट में नाइजीरिया ने पेनल्टी किक की मांग की। उनका मानना था कि रोजो जब हेडर ले रहे थे तब गेंद उनके हाथों में लगी थी, लेकिन रेफरी ने वीडियो असिस्टेंट रेफरी की मदद से पेनल्टी की संभावना को खत्म कर दिया। निर्धारित समय खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट बचे थे और अर्जेंटीना की उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी, तभी रोजो ने संकट मोचन बनकर मकार्डो से मिले क्रॉस पर गोल करके अपनी टीम के खेमे में एक बार फिर खुशी की लहर भर दी और अर्जेंटीना इस मैच को 2-1 से जीत गया।